तो हमारे माइनक्राफ्ट में एक ऐसा क्रीपी सीड भी है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि हमें उसके अंदर एक ब्लड गोलम देखने को मिलता है। और इस सीड में ब्लड गोलम को सबसे पहले एक रॉन नाम के बंदे ने देखा था जो कि एक फॉरेन प्लेयर है। तो रॉन का ये कहना है कि रात के 3 बजे वो अपने लिए एक वर्ल्ड जनरेट करता है एंड शुरुआत में तो उसको अपने वर्ल्ड में सब कुछ नॉर्मली लग रहा होता है, तो सिंपली वो अपने लिए वुड काट के एक छोटा सा घर बना लेता है। और घर बनाने के बाद वो थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन के लिए निकल जाता है और घर के पास ही उसे एक विलेज दिखाई देता है जहाँ पे वो जाके विलेजर्स सारा सामान लूट लेता है। रॉन को आयरन की पिकैक्स बनाने के लिए आयरन इनगोट की जरूरत होती है, तो वो सीधा 3 ब्लॉक्स ऊपर चढ़ के आयरन गोलम को जान से मार देता है। और फिर उसके बाद जब वो वापस अपने घर पे जाता है तो उसका घर पूरी तरीके से जल रहा होता है, जिससे कि रॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एंड जब वो पीछे मुड़ के पेड़ के पास देखता है तो वहाँ पे उसे एक लाल कलर का गोलम घूर रहा होता है, जिसके बाद वो गोलम एकदम से उसके सामने आके उसे जान से मार देता है। और फिर उसके बाद वो वापस उस वर्ल्ड में कभी नहीं जा पाता है।